हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज के वाले इस व्लॉग में हम लोग जा रहे हैं शहस्त्र धारा करके एक जगह है यहाँ देहरादून में, वहाँ घूमने अपने कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स के साथ। तो अभी सारे फ्रेंड्स लोग एक जगह पे मिलने वाले हैं, तो जहाँ पे वो मिलेंगे मैं तुम्हें वहाँ पर बताता हूँ। फिलहाल तो अभी सनलाइट सही जगह से आ रही है तो मैं स्मार्ट लग रहा हूँ, बाकी आगे देखते लगता हूँ नहीं लगता हूँ। हम इतने चालाक आदमी हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोग यहाँ पर कोक कहाँ गए, कोक तो दिखाओ। तो गाइस ये कोक हम लोग लेके चल रहे हैं और हमारा प्लान ये है कि अपने दोस्तों तक पहुँचने तक कोक ख़त्म कर देंगे, ताकि उनको बिल्कुल पता ना चले हम लोगों ने कोक पिया है। लेकिन व्लॉग में पता चल जाएगा, लेकिन फिर बाद में क्या ही करेंगे। यहाँ पे ये सारे लोग जितने भी हैं जा रहे हैं चौरस, अभी हम विक्रम में बैठे हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज़ साफ आ रही होगी, हवा की बैकग्राउंड में ज़्यादा ना आ रही हो। कर चुके हैं और जैसा मैं सोचता था कि धूप को जैसा ऐसा आएगी तो मेरा मुँह अच्छा नहीं लगेगा, मतलब अच्छा नहीं लगेगा, जैसे इसकी लाइन नहीं आएगी, तो वैसा ही हो रहा है। तो अभी हम ऑटो विक्रम से उतर चुके हैं, अब हम यहाँ से बस में जा रहे हैं शहस्त्र धारा को। बस में बैठ चुके हैं जैसे कि लोग देख सकते हो, और मेरे को नहीं लगता कोई दिख रहा होगा। तो अब हम यहाँ से शहस्त्र धारा को निकलेंगे, थोड़ी देर पर बस से निकलेगी, मतलब उसके साथ जाएंगे। सभी साथ वाले बैठे हैं गाइस, हम सब लोग जा रहे हैं अब शहस्त्र धारा को। तो शहस्त्र धारा में पहुँच के मिलते हैं। तो गाइस हम यहाँ पे बस से उतर चुके हैं, और बस से उतरने के बाद हम पैदल पैदल जा रहे हैं, बस थोड़ा सा ही मतलब 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस कह सकते हो तुम। और हम यहाँ पे सारे लोग इधर देखो, और मतलब ये लोग सब बोर हो रहे हैं, मतलब इंटरेस्ट नहीं है, मतलब अपने आप में ही लगे हैं लोग। और बाकी हम बस में काफ़ी इन्जॉय करते हुए आए थे, मतलब गाने वगैरह गाते हुए आए थे, और हमने चॉकलेट का टिप्पल लिया, हमने चॉकलेट का एक बहुत बड़ा टिप्पल रखा, तो हम वहाँ जाके खाएंगे बाकी। और यहाँ पे काफ़ी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, जैसा कि तुम लोग महसूस नहीं कर सकते, मैं कर सकता हूँ। फिर बाकी वहाँ पहुँच के मिलते हैं तुमको। ये है शहस्त्र धारा का वाटर पार्क, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो। यहाँ पे झूले वगैरह भी लगा रखे हैं, फिलहाल शायद ये बंद है, मतलब मेरे को आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग इधर को नहीं जा रहे, रास्ते पे पड़ गया, तो मैंने सोचा दिखा देता हूँ, अच्छी जगह है, क्या पता अगली बार गर्मियों में या कभी आएंगे यहाँ, तो देखते हैं इन फ्यूचर। तो आगे बढ़ रहे थे, और ये भाई यहाँ पे चश्मा ले रहा है, अपने लिए भाई को चश्मे पसंद आ गए। और यहाँ पे देख सकते हो तुम, शॉप्स वगैरह काफ़ी हैं लेने के लिए। भाई यहाँ पे भाई चश्मा ले रहा था, तो मैंने भी चश्मा ले लिया है, इस भाई के लिए लिया मैंने चश्मा, अपने लिए नहीं लिया मैंने। और इस भाई का चश्मा मैंने फिलहाल मैंने पहन लिया है, क्योंकि मैं अपना चश्मा लेके आना भूल गया था। और एक इस भाई ने चश्मा लिया है यहाँ पे, ये भाई स्मार्ट लग रहा है, बताओ जल्दी, मैंने सजेस्ट किया उसको। और यहाँ से नीचे से जाना था हमें, तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं, फायरिंग चल रही है भाई भाई, लेट्स सी। इन भाइयों को देखो, ये भाई यहाँ पे गेम्स वगैरह खेलते हुए। इस भाई ने कोल्ड ड्रिंक गिरा दिया, और एक और मौका चुका, लेकिन भाई ने कोल्ड ड्रिंक जीती है। अंकल कोल्ड ड्रिंक अंकल, एक और मारो यहाँ पे शॉट, भाई यहाँ पे पूरे मारते हुए। अबे वो गिरेगा भी नहीं वाला, 50 का गिरेगा भाई, गिराओ कुछ तो, गिराओ गिरेगा। अरे यार कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अंकल लाओ कोल्ड ड्रिंक, बस इतना। और अरे भाई लोग ये रिंग वाला मारते हुए, मारो कुछ नहीं होता, मारो नहीं 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 चार रिंग मारो, बिचाना वीडियो बन गया। और यहाँ पे भाई ने मारा, ओ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, नहीं पूरा डालना पड़ता है ना, ऐसे आ जाएगा तो अंकल ने रूल समझा दिया। बहुत तारा करन तुम कर सकते हो, ये क्या कर रहे हो रोहित, बहुत सही मौका छोड़ते हो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। पारस भाई चाय का भी रख दो, चाय का अंकल। अरे यार कोई दिक्कत नहीं, लास्ट चांस, इसका हाथ पकड़ के वो हाथ तक ले जाओ, ये मारो करन भाई। अरे कोई दिक्कत। ये है शहस्त्र धारा का वाटरफॉल, जैसा कि तुम लोग देख सकते हो सामने पे वाटरफॉल है, और यहाँ पे ये सारी चीज़ें देख सकते हो तुम, मतलब यहाँ पे काफ़ी कुछ है अच्छा एंजॉय करने के लिए। टूरिस्ट प्लेस ही है ये, जहाँ पे हम लोग आए हैं थोड़ा घूमने। यहाँ पे गेम्स वगैरह भी काफ़ी हैं, वाटर पार्क भी है, मतलब अगर आप लोग देहरादून में हो और यहाँ आना चाहते हो तो आ जाओ, यहाँ पे काफ़ी मज़ा कर सकते हो तुम लोग। और फिलहाल अभी हम उस साइड जाते हैं, तो आगे भी मिलते हैं। ये लौंडे आते हुए, हाय तो बोल दो। हाय हाय हाय।
यहाँ पे हमने उस पत्थर के पीछे बैठ के खाना आना जो भी था हमारा, चिप्स वगैरह वो सब खा लिया, और यहाँ पे आप सब फोटोज वगैरह खींच रहे हैं और बाकी चीज़ें इंजॉय कर रहे हैं। तो गाइस ये सारे यहाँ पे लोग आए हैं, देख सकते हो तुम लोग, और अभी हम लोग झरने की तरफ जा रहे हैं। ये है यहाँ पे झरने का व्यू, क्या पता आवाज़ आ रही हो ना आ रही हो, लेकिन बहुत सही फील आ रही है यहाँ पे, हवा वगैरह बहुत सही चल रही है, और इधर के सीन्स कुछ ऐसे हैं, देख सकते हो यहाँ का माहौल। हम यहाँ पे झरने के ऊपर वाली उस जगह पे गए थे जहाँ पे फोटो खिंचा रहे हैं, और भाई जो मज़ा आया ना भाई बताया, बहुत ज़्यादा बहुत बढ़िया मज़ा है। स्टेशन चलते हुए भाई लोगों का, और वो दोनों अपनी बातों में मस्त हैं, और यहाँ पे लोग ऊपर फोटोज वगैरह खिंचा रहे हैं, अभी हम भी वहाँ पे गए, और भाई जो काफ़ी मज़ा है। अपनी फोटो से खुश हैं आप? अब यहाँ पे रोहित भाई फोटो शूट कराते हुए। सो गाइस यहाँ पे हम झरने से वापस आ चुके हैं, वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत इन्जॉय किया, फोटो शूट वगैरह किए, और अभी भी वहाँ पे हमें काफ़ी सारी चॉकलेट्स पड़े क्योंकि हमने एक डब्बा ही ले लिया था लगभग पूरा चॉकलेट्स का, और वो सब खाने, और अभी हम धीरे धीरे घूम रहे हैं इधर उधर जगह, फिर उसके बाद हम वापस चले जाएंगे क्योंकि लगभग शाम 5:30 बजे यहाँ से आखिरी बस चले जाती है, और अभी 5 बज रहे हैं हमें, आधे घंटे में जहाँ से बस मिलती है वहाँ भी पहुँचना है, तो हम बहुत कुछ करना है, अभी टाइम कम है लेकिन करेंगे सब। तो गाइस यहाँ पे हम उस जगह पे पहुँच गए हैं जहाँ पे बस आती है, तो बस बस पकड़ते हैं और उम्मीद करते हैं बस मिल जाए, बाकी पीछे पे सारे भाई लोग आ रहे हैं धीरे धीरे, वो ज़्यादा ही पीछे रह गए मतलब, और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, बस पकड़ते हैं, बस में मिलते हैं, फिर बाकी आएगा डिस्कशन वहीं करते हैं। यहाँ पे हम लोग बस से उतर चुके हैं और हमारी ट्रिप बहुत सही रही है, अब हमें यहाँ से विक्रम करके वापस जाना है, तो अभी हम विक्रम से रुके हैं, उसे बुक करते ही हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कैसा लगा सर आपको आज? बहुत बढ़िया लगा, मज़ा आ गया। कैसा लगा भाई? धन्यवाद भाई। कैसा लगा आज? कैसा लगा सर आज? अरे फुल मौज भाई। कैसा लगा सर आज? कैसा लगा सर?